तो बच्चों हम पढ़ रहे थे स्लोप एंड ग्राफ, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा स्लोप क्या होता है, ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है इस एंगल का टेन थीटा स्लोप होता है। यहाँ पर स्लोप क्या है बॉडी का ज़ीरो, और यहाँ पे जो स्लोप है बॉडी का वो सॉरी इस ग्राफ में बॉडी इस ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव। क्लियर? तो आज हम कर्व पे स्लोप देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट लिखूं यहाँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि स्लोप ऑफ ये कैसा ग्राफ है हमारा, स्ट्रेट लाइन, कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एट एवरी पॉइंट रिमेन सेम। मीन्स स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप, यहाँ हर एक पॉइंट पे स्लोप जो है वो क्या है, सेम है। क्या है वो, इस एंगल का टेन थीटा। तो यहाँ थ्रू आउट इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप और थ्रू आउट इस लाइन का स्लोप सेम है, एवरी पॉइंट का स्लोप सेम है। व्हाइल स्लोप ऑफ कर्व एट डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट। ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए स्लोप को समझना बेहद 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 ज़रूरी है। अपने 18 साल के टीचिंग कैरियर में मैं ये महसूस करता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ग्राफ में होती है। अगर आप ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लोगे, स्लोप को समझ लोगे अच्छे से, तो ग्राफ आपको इजीली समझ में आने लगेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ग्राफ होते हैं हमारे यहाँ, वो हम 11th की बात करें या JEE की बात करें या अपना कोई किसी भी एंट्रेंस की हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये 11th एंट्रेंस की बात करें, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ग्राफ मिलते हैं वो हमें मिलते हैं मोशन में। ठीक है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा ग्राफ के क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं और उन्हीं एग्जांपल्स को हम ज़्यादातर यहाँ पर अपने डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, हम यहाँ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिकल टूल्स 11th एंट्रेंस के बच्चों के साथ साथ जो 11th के बच्चे जो 10th पास करके 11th में आए हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स के शुरू होने से पहले, 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले इन मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ना होता है। एंट्रेंस वाले बच्चों को जो 11th एंट्रेंस देंगे उनको कम पढ़ना है, 11th रेगुलर वालों को कुछ और चीज़ें भी पढ़नी हैं। जो 11th रेगुलर के बच्चे हैं उनको मैं इस मैथमेटिकल टूल्स को आगे एक्सटेंड कर दूंगा उनके लिए लेक्चर्स। ठीक है, जो 11th एंट्रेंस के बच्चे हैं उनका ये आज टूल्स का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट जो 11th रेगुलर हैं वो यहाँ से आगे पढ़ेंगे अभी टूल्स। और तो कर्व का मैंने क्या लिखाया कि स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट का स्लोप सेम होता है, जबकि कर्व के हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है। अब सवाल यह है कि कर्व का स्लोप निकलेगा कैसे। मान लो मेरे पास ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये कोई कर्व है। मैंने कर्व के किसी पॉइंट का स्लोप निकालना है, मैंने कर्व के इस पॉइंट का स्लोप निकालना है। तो कर्व के इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचेंगे, इस पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन खींचेंगे।
इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचेंगे, इस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का जो स्लोप है वही कर्व के इस पॉइंट का स्लोप है। मींस इस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप कितना है, इस एंगल का टेन थीटा। तो स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूं, ये पॉइंट हो जाए, तो ऑब्वियसली टेंजेंट बदल जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा, स्लोप भी चेंज कर जाएगा। अगर ये पॉइंट हो जाए तो टेंजेंट कुछ और होगा, ठीक है, एंगल कुछ और होगा, स्लोप कुछ और होगा। तो इस कर्व के यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग है, डिफरेंट है। आज हम इसी को डील करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप देगा वो मैंने क्या बताया था आपको, कि इस ग्राफ का स्लोप हमें ये देगा, मींस वेलोसिटी देगा, ठीक है। अगर ये ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कहीं से भी पास कर रही हो स्ट्रेट लाइन, अगर ये ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट का स्लोप क्या होता है, सेम, ठीक है। दिस मीन्स दैट, और इसका स्लोप हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी। दिस मीन्स दैट ये कौन सा ग्राफ है मेरा, ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर मेरे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम देगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर ग्राफ मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, कहीं से भी पास कर रही हो स्ट्रेट लाइन, अगर ग्राफ मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप मुझे क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन। इसके एवरी पॉइंट का स्लोप सेम है, दिस मीन्स दैट एवरी पॉइंट पे यहाँ जिस बॉडी के लिए ग्राफ है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो दिस मीन्स दैट ये कौन सा ग्राफ है, ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। इसका मतलब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, तो बच्चों दिस मीन्स दैट अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका कर्व है तो कर्व के एवरी पॉइंट का स्लोप क्या होता है, डिफरेंट है। तो कर्व देखते ही आप क्या समझेंगे, कि अगर बॉडी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का टाइम ग्राफ कैसा होगा, कर्व। और अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, अगेन कर्व होगा। क्लियर, अब वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, दो सिचुएशन, दो कंडीशन, तीन बातें होंगी वेलोसिटी में, या तो वो कॉन्स्टेंट रहे, या वेलोसिटी इंक्रीज करे, या डिक्रीज करे। अब वेलोसिटी जो इंक्रीज करेगी वो कहाँ इंक्रीज करेगी, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ अगर बॉडी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये बॉडी अगर रिटर्न बैक कर जाए और इसकी वेलोसिटी अगेन 10 मीटर पर सेकंड हो, तो इस वाली वेलोसिटी को, एक डायरेक्शन की वेलोसिटी को, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को अगर मैं प्लस 10 मीटर पर सेकंड कहूंगा, तो इस वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, माइनस 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस, कौन सी होती है अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मार्क किया है उसके अपोजिट। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, मोशन में,
ठीक है। तो वेलोसिटी में दो बातें, चार बातें होंगी बच्चों। वेलोसिटी अगर वेरी करेगी तो उसमें चार बातें होंगी, क्या? पहली बात वेलोसिटी, अच्छा इसमें भी दो बातें होंगी, कैसे? कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। दूसरा क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट हो और बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हो। वो आपको कैसे पता लगेगा? अगेन ग्राफ से पता लगेगा। ग्राफ से कैसे पता लगेगा? आपको स्लोप देखना है, यहाँ स्लोप क्या है? पॉजिटिव। स्लोप के पॉजिटिव होने का मतलब बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है। दिस मीन्स दैट बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट। अगर ग्राफ आपके पास ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका स्लोप हमें क्या देगा? देखो तो सही, इसका स्लोप क्या है? यहां नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन है, तो एवरी पॉइंट का स्लोप सेम है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट है और स्लोप नेगेटिव है। दिस मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉन्स्टेंट एंड बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है। नेगेटिव डायरेक्शन में ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि अगर बॉडी यहां से यहां इसका डिस्प्लेसमेंट और बॉडी रिटर्न बैक हो जाए, तो बॉडी अगर रिटर्न बैक हो गई तो ग्राफ कैसे होगा? ऐसे ऊपर चढ़ेगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां बढ़ा और फिर ग्राफ नीचे गिरेगा, ठीक है। तो यहां पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव। और यहां पर स्लोप क्या है? स्लोप को मैं स्लोप यहां क्या है? स्लोप मीन्स वेलोसिटी यहाँ क्या है? पॉजिटिव। और स्लोप मीन्स यहाँ वेलोसिटी यहाँ क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है ऑब्वियसली, तो यहाँ से यहाँ बॉडी यहाँ से यहाँ या 100 मीटर तक गई, इस पॉइंट के बाद बॉडी रिटर्न हो रही है। ये टाइम एक्सीस है, टाइम आगे चलेगा, टाइम रिटर्न नहीं होगा, बॉडी रिटर्न हो रही है। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो से बढ़ के 100 मीटर हुआ किसी सेकंड में, फिर उतने ही टाइम में 100 से घट के अगेन जीरो। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट बॉडी यहाँ कहाँ मूव कर रही है? इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और यहाँ बॉडी कहाँ चल रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और यहाँ कहाँ चल रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में। एक पॉइंट के बाद बॉडी वापस रिटर्न हो गई, ठीक है। इसी को हम कर्व पे अगर अप्लाई करें, इसी सिचुएशन को अगर हम कर्व पे अप्लाई करें, तो कैसे अप्लाई करेंगे? सपोज मेरा सबसे पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चार ग्राफ के आपको शेप दे रहा हूँ, इन ग्राफ के इन शेप को हमेशा याद रखना, ऐसे ही शेप आपको मिलेंगे। फर्स्ट ग्राफ मेरा ये है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसका स्लोप मुझे क्या देगा? वेलोसिटी देगा। अब बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव आपको ये चेक करना, तो इसके पेट पर कहीं भी स्लो टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, यहाँ माइंड में ड्रॉ करना है, फिगर में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, स्लोप आप सीख चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट डाल दूं कहीं भी, तो वो टेंजेंट कैसा एंगल बनाएगा टाइम एक्सिस के साथ? एक्यूट आएगा टेंजेंट, एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल बनाने का मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। अब आप ये चेक करें, आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखें। जब आप इनिशियल पॉइंट को देखेंगे तो ग्राफ ऐसे चला है, ग्राफ ऐसे चला है, यानी ग्राफ कर्व जो है आपका, कर्व यहाँ पे फ्लैट था। इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे कर्व फ्लैट है। फ्लैट होने का मतलब जब आप टेंजेंट खींचोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ जीरो के आसपास एंगल बनाएगा या जीरो बनाएगा इस एक्सिस से। और जब आप यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे लास्ट वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसा 90 डिग्री की तरफ को बढ़ेगा एंगल, तो यहाँ पे एंगल जीरो से कहाँ बढ़ेगा? 90 की तरफ को टाइम एक्सिस के साथ। तो कर्व यहाँ पे फ्लैट है, तो यहाँ से ऊपर को चढ़ा कर्व, तो जहाँ पे कर्व फ्लैट है तो वहाँ पे कर्व का स्लोप क्या है? नियरली जीरो,
ठीक है, इसका मतलब स्लोप जीरो से चला, स्लोप जीरो से चला, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो से चला। इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका ऐसा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, बट स्लोप जीरो से, अगेन यहाँ भी स्लोप जीरो से चल रहा है। ध्यान दें, ये ओरिजिन को टच कर रहा है, इसका मतलब स्लोप जीरो नहीं है, इसका मतलब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इस पर खींचा गया जो टेंजेंट होगा वो इसका स्लोप देगा। यहाँ पे टेंजेंट, तो यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे स्लोप सेम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू जीरो पे जीरो नहीं है। बॉडी ओरिजिन के आगे से कहीं से स्टार्ट की है, यहाँ भी स्लोप जीरो, यहाँ भी स्लोप जीरो, दोनों ग्राफ के शेप एक ही हैं। तो स्लोप जीरो से चलाओ, जब कोई भी चीज़ जीरो से चलेगी तो वो इंक्रीज करेगी, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो ये वाला ग्राफ हमारा, ये दोनों ग्राफ हमारे कैसे ग्राफ हैं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। बॉडी की वेलोसिटी यहां पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हुए बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर हम ये सिचुएशन देखें, ऐसा कर्व हो अगर मेरे पास, अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसके इनिशियल पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट डालो तो ऐसा आएगा, इसके फाइनल पॉइंट पे टेंजेंट डालो ऐसा आएगा। कहाँ से चला, यहाँ से फ्लैट है कर्व, जहाँ फ्लैट है वहाँ स्लोप जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे स्लोप जीरो, इसका मतलब यहाँ भी जीरो से चला स्लोप, तो स्लोप जीरो से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्लोप आपने डाला, यहाँ पे वेलोसिटी आई जीरो, और यहाँ पे आपने स्लोप डाला और यहाँ पे स्लोप आया, जब टेन थीटा की वैल्यू निकाली तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी आई, मान लो -20 मीटर पर सेकंड, -20 आया स्लोप। तो -20 अगर आप मैथ्स में इसको पढ़ोगे तो मैथ्स के अकॉर्डिंग स्लोप घट रहा है, क्योंकि जीरो से वैल्यू -20 हो रही है, बट हमारे फिजिक्स में हम यहाँ क्वांटिटीज को डील कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में जीरो ग्रेटर है एट -20, ऑब्वियसली जीरो ग्रेटर है। यहाँ पर जीरो मीटर पर सेकंड बड़ा है या -20 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, कौन बड़ा है इनमें से? ये दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, यहाँ माइनस साइन का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ माइनस साइन का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, माइनस साइन यहाँ सिर्फ डायरेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव में जा रहा है, क्वांटिटी मेरी बढ़ रही है, यहां जीरो से बढ़ के कितनी हो रही है वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है, क्योंकि यहां एंगल ऑब्ट्यूज है, आप इसके कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट जो है वो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप देगा, कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे टेंजेंट नेगेटिव स्लोप देगा। तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ कैसा है मेरा, ये ग्राफ है मेरा बच्चों इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। कब करती है आपकी बॉडी वेलोसिटी की, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज, जब आप ग्राउंड से बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो तो अपवर्ड जर्नी में तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, बॉडी जब डाउनवर्ड आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। आपने ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट आपका ग्राउंड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली जब आपका अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया तो इंटायर जर्नी के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, जब डाउनवर्ड नेगेटिव हो गई, जब बॉडी रिटर्न बैक होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, तो रिटर्निंग जर्नी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा मिलेगा। रिटर्निंग जर्नी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा मिलेगा, बॉडी यहाँ टॉप तक पहुंचेगी, आगे शिफ्ट होकर ग्राफ आएगा, बॉडी टॉप तक पहुंचेगी, उसके बाद रिटर्न होगी, तो रिटर्निंग जर्नी का ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम देखें, मैंने दो सिचुएशन आपको दिखाई, नेक्स्ट सिचुएशन पे अगर हम चलते हैं,
नेक्स्ट सिचुएशन है बच्चों हमारे पास, अगर ग्राफ हमारे पास ऐसा है, ये शेप है, अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप मुझे क्या देगा? वेलोसिटी देगा। अब सबसे पहले मुझे चेक करना है, सबसे पहला काम मुझे चेक करना है वेदर द बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। उसका तरीका क्या है? स्लोप डाल दें हम। अगर मैं स्लोप डाल दूं इसके ऊपर, तो स्लोप कैसा एंगल बना रहा है? एक्यूट। यहां कैसा बना रहा है? ऑब्ट्यूज। तो एक्यूट एंगल बना, तो स्लोप क्या है यहां? पॉजिटिव। अगर मैं टेंजेंट डाल दूं, यहां पे टेंजेंट डाल दूं, तो क्या है किसी भी पॉइंट का स्लोप? पॉजिटिव। टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और कर्व कहां पे जाके फ्लैट हो रहा है? इनिशियल पॉइंट पे या फाइनल पॉइंट पे? ऑब्वियसली फाइनल पॉइंट पे फ्लैट हो रहा है कर्व। यहां पे टेंजेंट डालूंगा तो टेंजेंट यहां जीरो एंगल बनाएगा लगभग, ठीक है? तो टेंजेंट ने जीरो एंगल बनाया, यहां पे ऐसा एंगल बनाएगा, यहां पे कुछ स्लोपी कर्व मिलेगा, यहां पे जीरो स्लोप मिलेगा। तो स्लोप कहां जा रहा है? जीरो की तरफ को। और जीरो की तरफ को कब जाएगी कोई भी वैल्यू? जब वो डिक्रीज करेगी, ठीक है? तो यहां बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज। कहां डिक्रीज कर रही है? इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये जो कर्व है मेरा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। नहीं आया समझ में, दोबारा वीडियो बैक करके दोबारा सुने। डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में कब करेगी वेलोसिटी डिक्रीज? जब ग्राउंड से मैं अपवर्ड बॉडी को प्रोजेक्ट करूंगा, तो बॉडी की वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके घट के जीरो हो जाती है। तो जब मैं अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूंगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, बॉडी की वेलोसिटी घट रही होगी, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ग्राउंड से जब बॉडी को अप प्रोजेक्ट करोगे तो ये कर्व आएगा, और जब बॉडी रिटर्न होगी तो ये कर्व आएगा। तो इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाया आपने तो टोटल कर्व ऐसा बनेगा। हाफ ऑफ द पोर्शन बताएगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर वाला हाफ बताएगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट मेरा कर्व है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मान लो सपोज ऐसा ग्राफ है, इसमें क्या हो रहा है? अगेन सबसे पहले मुझे चेक करना है, किसी भी ग्राफ में सबसे पहले आपने चेक करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कि स्लोप उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्लोप का पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो आपको बताएगा कि वेदर द बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप एक टेंजेंट डाल दें, डाला टेंजेंट, जब आप टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट कैसा एंगल बनाएगा? ऑब्ट्यूज। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो यहाँ पर स्लोप जो है वो नेगेटिव है जब आप यहाँ पर टेंजेंट डालेंगे। जब 10 थीटा नेगेटिव है तो बॉडी मूव कर रही है इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब मुझे देखना है, देख लिया होगा आपने शायद, कहां पे कर्व फ्लैट हो रहा है? यहां लास्ट पॉइंट पे फ्लैट हो रहा है जाके, यहां। दिस मीन्स दैट स्लोप कहां जा रहा है? जीरो की तरफ। जीरो की तरफ कोई वैल्यू जाएगी तो वो डिक्रीज करेगी, तो यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है। इसका स्लोप मुझे क्या देगा? वेलोसिटी। मींस वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और स्लोप क्या है? नेगेटिव। मींस वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये मेरे पास कौन सा कर्व है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। देख लो बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं है।
कभी कभी जो उल्टा पुल्टा हो जाता है, एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कर्व है हमारा, ये क्या है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये सिचुएशन कब होगी? ये दोनों कर्व कब कंबाइंड होंगे? मैंने आपको बताया, ये दोनों कर्व आपके कब कंबाइंड होंगे? ये दोनों कर्व तब कंबाइंड होंगे जब आप टावर पे खड़े होकर किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे। अगर आप एच हाइट के टावर पे, अगर इनिशियल पॉइंट हमारा कोई हाइट है, टावर है, किसी टावर पे हम खड़े हैं और टावर से अगर हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, तब डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉजिटिव लेते हैं। मेरी ये दो बातें याद रखेंगे आप। जब इनिशियल पॉइंट ग्राउंड होता है, ग्राउंड से बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया तो बॉडी अपवर्ड गई, टॉप मोस्ट पॉइंट पर रुकी, वापस आई। जब वो अपवर्ड जाएगी तो वेलोसिटी घटेगी, और जब वापस आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ये वाली दिशा पॉजिटिव, ये वाली दिशा नेगेटिव। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये वाला ग्राफ क्या होगा? इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। इन दोनों को मिला दो, इस ग्राफ को यहाँ से आगे कंटिन्यू कर दो। ये टॉप मोस्ट पॉइंट होगा जहाँ पे स्लोप जीरो होगा, बॉडी रेस्ट में आ गई, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आएगी, जीरो होगी वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर मैं एच हाइट के टावर से ड्रॉप करूँ बॉडी को, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। यही डिस्कस कर रहा हूँ मैं दोनों ग्राफ। ठीक है, आप प्लॉट कर लेंगे। अगर एच हाइट के टावर से अगर मैं बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूँ और बॉडी टप्पा खा के, जमीन पर टप्पा खाकर फ्लोर से टकरा के वापस रिबाउंड कर रही है टू द सेम हाइट, जिस हाइट से आपने ड्रॉप किया उसी हाइट पे वापस रिबाउंड कर रही है, टप्पा खाया बॉडी ने फिर वापस रिबाउंड कर रही है सेम हाइट पे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है। तो जब बॉडी को ड्रॉप करोगे तो वेलोसिटी जीरो से बढ़ेगी, बढ़ने के बाद बॉडी ग्राउंड से टकराएगी। अगर बॉडी सेम हाइट तक आनी है तो इसका मतलब बॉडी जिस वेलोसिटी से टकराई, मैंने ये अज्यूम किया है कि बॉडी जिस वेलोसिटी से टकराई उसी वेलोसिटी से वापस वो रिबाउंड की, जब रिबाउंड करेगी उसी वेलोसिटी तो वापस सेम हाइट तक आएगी। तो जब वापस रिटर्न जर्नी में होगी बॉडी, तो डायरेक्शन नेगेटिव होगी मोशन की और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो डाउनवर्ड जर्नी के लिए क्या होगा? इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, और वापस टकराने के बाद जब बॉडी ऊपर आएगी तो फिर क्या होगा? डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। और डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन ये है, तो ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ेगा और फिर ऐसे उतर आएगा, ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ेगा फिर ऐसे उतर आएगा। इस ग्राफ को यहाँ चिपका दो, इस ग्राफ को यहाँ चिपका दो। जब आप इस ग्राफ को यहाँ चिपकाओगे तो ये वाला हाफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड जर्नी के लिए होगा, और ये वाला पोर्शन जब यहाँ लगाओगे तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन मींस अपवर्ड जर्नी के लिए होगा। यहाँ पे स्लोप देखो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि बॉडी यहाँ ग्राउंड पे यहाँ टकराई है। ठीक है, और यहाँ रिटर्न हुई है तो यहाँ स्लोप नेगेटिव है, तो रिटर्निंग वेलोसिटी नेगेटिव होगी। यू से जब टकराएगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और जब यू से रिटर्न होगी तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्लियर?